मूक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज पर एमसीक्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है उसका उत्तर मैं पीछे दे आया हूं। व्हाट डज मूक स्टैंड्स फॉर? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आप ओओ को याद रखिए कि अब कोविड के बाद सब कुछ ओपन हो चुका है और ऑनलाइन हो चुका है, तो उस पर कोर्स करने के लिए मैसिव बहुत ज्यादा ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है सेकेंड, मूक आर फ्री ऑनलाइन कोर्स, कोर्सेज ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज ओनली, कोर्सेज फॉर ए लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली, कोर्सेज दैट रिक्वायर इन पर्सनल अटेंडेंस। इनमें से कोई भी जे ओनली के बेस पर इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, लिमिटेड के बेस पर इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और इन पर्सनल अटेंडेंस नहीं होती, फिजिकल अटेंडेंस नहीं होती, तो दैट इज वाई फ्री ऑनलाइन कोर्स दिस इज द राइट आंसर। मूक कब लोकप्रिय हुआ था? हाँ, 2010 में, सिंपल आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, मूक आर टिपिकली ओपन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। स्पेसिफिक ने इसको नैरो कर दिया, ये नैरो कर दिया, रॉन्ग हो गया। स्टूडेंट्स फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्री, नो, स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट आंसर इज। फिफ्थ क्वेश्चन है, मूक आर ऑफर्ड बाई यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पिछले वाले आसान थे। क्या ए ठीक है, या ए और बी ठीक है, या ए बी और सी तीनों ठीक है, या बी और सी ठीक है, ये देखने हैं। तो राइट आंसर है ये ए बी सी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट कंपनीज भी मूक को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, मूक कवर वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ये आसान है, ए बी सी इसका राइट आंसर है, तीनों ही ऑर्गेनाइज करते हैं, हिंदी में भी कर लेते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, मूक आर डिलीवर्ड थ्रू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, फिजिकल क्लासरूम, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो मूक फिजिकल क्लासरूम नहीं है, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक नहीं है, सोशल मीडिया को नहीं यूज करता, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इजी था क्योंकि इसका नाम भी ऑनलाइन ऑनलाइन बार बार आ रहा है। मूक आर ऑफन स्ट्रक्चर्ड एज, ऑफन को थोड़ा समझ लेना चाहिए क्या क्या होता है इसमें। एट्थ क्वेश्चन हिंदी में भी साथ में देख लेते हैं। अच्छा, टच कर दूं इसको थोड़ा सा। लाइव लेक्चर्स, एट्थ क्वेश्चन है, इसको ऐसे कर देंगे, लाइव लेक्चर्स हैं। दूसरा है प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, इंटरएक्टिव क्विजेज, तो ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, ए बी ठीक है, ए बी सी ठीक है, ए बी सी ठीक है, इसमें ए बी सी तीनों ही ठीक हैं, मूक के ये फीचर हैं। मूक आर नोन फॉर दियर कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये फीचर है, उस वीडियो में भी किया था कोलैबोरेशन, क्योंकि डिस्कशन फॉर्म जो फॉरम बन जाते हैं ना, आप डिस्कशन कर सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो, असाइनमेंट्स जो है पीयर रिव्यू वो हो सकता है असाइनमेंट्स का। अच्छा, इम्पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, अब ये देखना है कि कौन कौन सा ठीक है। तो ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस तो है, इम्पर्सनल यहां पर गलत हो गया, इट मींस ये ठीक है ये गलत है। फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टडी शेड्यूल, फ्लेक्सिबिलिटी इसका करैक्टरिस्टिक्स है, तो ए और सी, ए और सी ये वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, मूक ऑफन इंक्लूड इंटरएक्टिव डिस्कशन फोरम, अभी इनकी बात की थी, बिल्कुल इसमें शामिल हैं, इसको टिक कर रहे हैं। पीयर टू पीयर असेसमेंट, यस, एक पीयर दूसरे की असाइनमेंट को असेस कर सकता है। फीडबैक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, यस, टीचर भी, इंस्ट्रक्टर मीन टीचर भी है ना, प्रशिक्षकों की प्रतिक्रिया जो फीडबैक है कि क्या आपने पॉजिटिव किया, जो आपने आपको असाइनमेंट दी थी क्या उसमें नेगेटिव किया, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आपके बताए जाते हैं इसको फीडबैक बोलते हैं। फेस टू फेस डिस्कशन फॉरम, डिस्कशन फॉरम तो है, इंटरेक्टिव भी है लेकिन ऑनलाइन है, फेस टू फेस नहीं है, तो डी रॉन्ग है, ए बी सी, ए बी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, मूक कैन बी असेस्ड यूजिंग
इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, ऑल ऑफ अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मूक प्लेटफॉर्म सच एज कोर्सेरा, एडेक्स एंड एडेस्टी ऑफर कोर्सेज फ्रॉम, ये डिफिकल्ट है। ये मूक के मोस्ट पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म है जो आपके सामने है, टॉप यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर, लोकल कम्युनिटी कॉलेजेस, इनको कौन चलाता है? ये जो तीन बताए गए हैं, कोर्सेरा, एडेक्स एंड उडेस्टी, ये कौन चलाता है? तो राइट आंसर है ओनली ए इज राइट आंसर, टॉप यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13th, MOOC आर डिजाइन टू अकोमोडेट ए लार्ज नंबर ऑफ इन पर्सनल क्लासरूम सेशन। इन पर्सनल नहीं है, ना ही इम्पर्सनल है, ये ऑनलाइन है, यहां पर गलत हो गया। टेक्स्ट बुक रीडिंग गलत हो गया, ऑनलाइन असेसमेंट ठीक है, लेकिन डिजाइन टू अकोमोडेट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट सिर्फ, देखा ये राइट है लेकिन यहां इसके मुताबिक राइट नहीं है। एनरोल्ड स्टूडेंट, लार्ज नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। 14th है MOOC हैव द पोटेंशियल टू, इधर भी 14th है हिंदी में, और इसकी ऑप्शन आगे ये देख लेनी है कि कौन सी है, ढूंढनी है कौन सी ठीक है। पोटेंशियल टू डेमोक्रेटाइज एजुकेशन, शिक्षा का लोकतंत्रीकरण, शिक्षा की खाई को फाटना, ब्रिज द गैप, ओके ब्रिज द गैप, प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब कौन कौन से सेंट्रल आइडियाज जो हैं, डेमोक्रेटाइज, यस आप किसी भी कंट्री में आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, फ्रीडम है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट और जो बहुत कम कॉस्ट पर है ना सीख रहे हो, तो ये डेमोक्रेटाइजेशन है। ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन, अच्छा जो छोड़ गया था कोर्स नहीं कर पाया था किसी भी कारण से, अब MOOC वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहता है, बाहर की यूनिवर्सिटी है, आप कहीं बैठे कर सकते हो। अच्छा प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग, सारी उम्र बेशक कोर्स करते रहो आप, प्रोवाइड सेकेंडरी एजुकेशन ओनली, जहां ओनली है उस पर शक करो, उसको रॉन्ग कर दो, तो ये वाले ए बी सी राइट आंसर है, ए बी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, MOOC हैव बीन बेनिफिशियल फॉर, हिंदी में भी देखेंगे साथ साथ में, वर्किंग प्रोफेशनल्स सीकिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल, स्टूडेंट्स लुकिंग टू एनहांस देयर नॉलेज इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, बिल्कुल, इंडिविजुअल्स विद लिमिटेड एक्सेस टू ट्रेडिशनल एजुकेशन, जिनको जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो मिल नहीं सकी, पहुंच नहीं पाए, है ना, ये तीनों ही ठीक है। इंडिविजुअल्स विद पर्सनल इंटरेस्ट, तो ये भी शायद ठीक है। अब ए बी ए सी डी, ए बी ए बी सी डी सभी ठीक है, हाँ ओके। 16th क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में, MOOC ऑफन ऑफर वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स फॉर कंप्लीशन एकेडमिक डिग्रीज, एकेडमिक डिग्री नहीं देते क्योंकि ये हाँ सर्टिफाई करते हैं कि आपने कोर्स यहाँ से किया है, उसका सर्टिफिकेशन देते हैं, कई बार उसकी थोड़ी सी फीस रख देते हैं, लेकिन एकेडमिक डिग्री नहीं, वो यूनिवर्सिटी से मिलती है। जॉब प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीशन नहीं, ऐसा कुछ MOOC नहीं करता। मॉनिटरी रिवार्ड फॉर टॉप परफॉर्मर नहीं, ये सिर्फ लर्निंग लर्निंग एंड लर्निंग के लिए है, तो ए इज राइट आंसर इसमें। नेक्स्ट चलते हैं 17th क्वेश्चन, MOOC अलाउ लर्नर टू लर्न एट देयर ओन पेस, बिल्कुल, कोलैबोरेट विद फेलो लर्नर, बिल्कुल, चूज कोर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, ए बी सी तीनों ही ठीक है। दैट इज ऑल, ये कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आप थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा MOOC पर, ऐसे ही स्वयं पर, दीक्षा पर, स्ट्राइड है, तो जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है शुरू किए गए गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ इंटरनेशनली, तो उन पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चन आते हैं, तो आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर चाहिए, उसके लिए ये वीडियो हैं, साथ में रिलेटेड वीडियो नीचे लिंक दिए गए होंगे। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।